नमस्कार, मैं हूं अमित सूर्यवंशी। इस वक्त हाजिर हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए सिर्फ पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज पर। किसानों की मूल समस्याएं क्या है, यहाँ पे कब से धरना चल रहा है? यहाँ लगभग 2 माह हो गया है। पहले बीच बीच चलता है, फिर बीच में रुक जाता है, कुछ आश्वासन नहीं है 2 महीने से। यहाँ एक तो समस्या थी कि जिन किसानों के घर पुराने बने थे उनकी एक गाइडलाइन थी कि उस समय तक, एक सीमा तक उनको हटाया ना जाए। दूसरा था कुछ किसानों की जमीन छूट गई थी, उनको छोड़ा जाए। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है उन किसानों को आज की तारीख में नवीनीकरण 2013 के तहत मुआवजा दिया जाए। एक समस्या नई पैदा हो गई इस बारिश की वजह से पूरे देश में। यहाँ तमाम गांव ऐसे हैं, इन्होंने तो अपनी कॉलोनी बना ली और रास्ते गांव के पानी और नाली और चकरोट और तालाब और झीलें सब बंद हो गई, तो पानी का निकास बचा नहीं। तो यहाँ कुछ गाँव हैं जहाँ पर जिनके पूरी पूरी फसल, गाँव के घर, पक्के घरों में भी तब डैमेज हो रहे हैं। तमाम किरण की कोई जांच पड़ताल करा ली जाए, उनका जो नुकसान है वो नुकसान दिलाया जाए और पानी की व्यवस्था, चाहे ट्यूबवेल लगवाए, ट्यूबवेल से निकास किया जाए पानी का, या जैसे जो सरकार जैसे कर सकती है जो तत्काल ज़रूरत है वो करा दे। बाकी मुआवजा के संबंध में, जमीन छूटने के संबंध में, भूमि अधिग्रहण, अभी इन्होंने, इन्हीं अवध बिहार ने अंसल को 75 एकड़ ज़मीन पुरानी रेट में दे दी। मतलब किसान को 1 बीघा ज़मीन छूटी वो नहीं छोड़ सकते, उसको पुराने रेट में दे दी। अभी एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, 26 तारीख शायद उसकी डेट तय है। आज उसका फाइनल नहीं चल रहा, आज यहाँ एक बैठक है। एक इटौंजा के पास गांव है अगररिया कला, वहाँ भी एक गाँव डूब गया है, वहाँ जा रहे हैं। एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है, तो डेट हो सकता है 26 के आगे पीछे भी हो जाए सहमति का। तो मेन तैयारी हो रही है कि अब बहुत सहेली आ गया, बहुत आश्वासन सुन लिए गए, अब आखिरी लड़ाई होगी, उसमें कुछ भी हो जाए उसके लिए किसान घर भी जा रहा, खेत भी गया, घर भी जा रहा, बच्चे भी, कोई दब रहा, कोई बूढ़ा दबा जा रहा है, कोई जानवर मरे जा रहे। अब हम सड़क के सत्यानाश है तो ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। अभी तो कोई शासन या प्रशासन से कोई भी अधिकारी यहाँ पे आपको ज्ञापन लेने आया? अभी तो नहीं आया ज्ञापन के लिए, वो आते हैं ले जाते हैं, उनको देना ना देना कोई मतलब बनता नहीं। कोई भी आश्वासन आपको ना, कोई मतलब आश्वासन तो कमिश्नर देता है, मिश्नर डीएम देते हैं, वो आते नहीं, BCLDA दे रहा, हाउसिंग कमिश्नर दे रहा, कोई बात जाओ, भीड़ इकट्ठी हो गई, उन्होंने कह दिया बस 8 दिन के बाद तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, रास्ता बना देंगे, विकास करें, कोई करता वर्ता। तो ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा आपका? तो ये जब तक अभी बड़ा आंदोलन नहीं हुआ तब तक जारी रहेगा। नाम है आपका? राम रानी। अच्छा, यहाँ पे प्रदर्शन कितने दिन से चल रहा है? हम लोगों का परेशानी बहुत ज़्यादा है। क्या परेशानी है? परेशानी यहाँ पर मकानन के लिए और पिलाटन के लिए, जहाँ हम लोग जाते हैं तो हार गाड़ी तो कर लेते हैं, बाद में देने से इनकार करते हैं, तो मकान गिराने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। कौन बनाते हैं? परेशानी करते हैं। यही आवास विकास के अधिकारी जो है, तो वह है पुलमा, हमारा जो है ज़मीन वमीन जा रही है उसका भी देने को नहीं। किस गांव की रहने वाली हैं? हम तो सेवई की रहने वाली हैं। अच्छा, मुआवजा को लेके आप तो क्या कहना है? मुआवजा को लेके कहना यही है, हमारा तो मकान बना है ना, तो ज़मीन के बदले हमारी ज़मीन दे दी जाए और मकान का पैसा दे दिया जाए, यही हम कहते हैं। मकान का मुआवजा नहीं, और जो समस्या है यहाँ किसानन के परेशानी है, पानी वानी वाले साधन छोड़ दिया। आपका क्या नाम है? माया देवी। अच्छा, क्या समस्या? क्या है? कह रही थी आप? हमारी समस्या है कि हमारे खेत में पानी भरा, पानी नहीं निकल रहा, और ये सब जगह बहुत ज़मीन गिर रही है, और हमारी भी मर्जी ज़मीन ले जाकर कल ही रोड चौराहा पर, दावा हाल चौराहा पर हमको प्लाट चाहिए, हमारे भाई का ज़मीन। आप जो आपके या किसान कहे जाने वाले मसीहा राजू गुप्ता जी हैं, आप लोग के साथ में हैं, क्या आप लोग भी उनके साथ हैं? हाँ, पूरे संघर्ष में आप लोग साथ हैं? हाँ, अगर जहाँ जहाँ खून बहे तो खून, जहाँ जगह तहाँ जगह, हम 25 साथी। किसानों के मसीहा क्षेत्रीय कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जो राकेश यादव जी हैं, जो किसानों की समस्याओं को लेकर कंटिन्यू हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनके सहयोग में हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। किसानों की क्या क्या समस्याएँ हैं जो आप हमेशा उनके साथ हैं? और किसानों की समस्या ये है कि उनकी सर्कुलर 4 गुना मुआवजा ना दे करके जबरदस्ती उनकी ज़मीनों के काम कार किया जा रहा है, ये गलत तरीके से किसानों सताया जा रहा है। पहले इन्होंने जब योजना आई है, किसानों से बैठक हुई थी, इन्होंने कहा था 5 महीने ज़मीन देंगे, गांव विकास करेंगे, और जिस तरीके योजना में
प्रभावशाली लोगों ने ज़मीनें छोड़ी उस तरीके और किसान छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा ना कुछ करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कहां कहां से किन किन गांव से यहां पे किसान आए हुए हैं? यहां पर देवामऊ, धावा, चौधरीकरा, घुसवल, नरियरखेड़ा, सिवई, इस जितनी अवध बिहार योजना के गाँव के ही किसान एकत्रित हुए हैं और वही लंबे समय लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक के लिए बराबर रातों दिन यहाँ 31 तारीख से 31/7/2018 से अपनी रातों दिन धरना दे करके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे हक के लिए हमारे अगुओं से निवेदन है कि आगे किसानों को न्याय दिलाएं। इसी तरह खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पावर ऑफ जन अधिकार न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।